पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने पिता के समर्थकों से खुद को बताया है जान का खतरा। इसे लेकर उन्होंने एसपी को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है। पत्र में उन्होंने साफ किया है कि कोई भी नुकसान या अन्य कोई वारदात होने पर उन्होंने पिता विश्वेंद्र सिंह को जिम्मेदार बताया है। जानकारी के अनुसार पिछले एक साल से पिता पुत्र के बीच विवाद चल रहा है। वरिष्ठ नेताओं की मध्यस्थता के साथ सुलहनामा के प्रयास भी विफल हो चुके हैं। काफी समय से माँ और बेटा एक साथ रहते हैं, वहीं पिता जयपुर में रहते हैं। अनिरुद्ध ने पुलिस को बताया कि उसके पिता भरतपुर के कुम्हेर डीग से विधायक हैं और उन्हें अपने पिता से जान का खतरा है। अनिरुद्ध के अनुसार उनके पिता विश्वेंद्र सिंह की टीम की ओर से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अनिरुद्ध ने पुलिस को एक परिवाद दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने परिवाद में आरोप लगाए हैं कि उन्हें अपने पिता विश्वेंद्र सिंह की कोर टीम से धमकियां मिल रही हैं। अनिरुद्ध ने आगे कहा कि मुझे और मेरे लोगों को जान का खतरा है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पिता विश्वेंद्र सिंह विधायक कुम्हेर डीग होंगे। पुलिस ने बताया कि परिवार जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई, पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा और डीजी जेल मालिनी अग्रवाल को संबोधित करते हुए दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इन धमकियों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करेगी। विधायक और उनके बीच काफी लंबे से संपत्ति से जुड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अनिरुद्ध सिंह पिता के खिलाफ बयान देने का जरा भी मौका नहीं छोड़ रहे। कुछ समय पहले अनिरुद्ध ने पिता पर दल बदलू होने के आरोप लगाए थे। राज परिवार में ये संपत्ति की लड़ाई कब शांत होगी किसी को नहीं पता।